जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ आज पूर्वांचल सेना ने दिल्ली में एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा गया था कि कन्हैया कुमार को गोली मारने वाले को पूर्वांचल सेना की तरफ से 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जिसकी राजनीतिक पार्टियों ने काफी कड़े शब्दों में निंदा की। राशि जी, जिस तरीके से ये पूर्वांचल सेना ने कन्हैया कुमार को गोली मारने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो पोस्टर्स हैं दिल्ली के अंदर या देश के अंदर लगते हैं, तो क्या मैसेज जो है जनता के बीच? देखिए, सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरीके के काम करते हैं, लेकिन कन्हैया को पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और ये जो भी लोग हैं इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के पोस्टर लगवाना भी कहीं ना कहीं राजद्रोह या देशद्रोह जैसा ही? बिल्कुल आपने ठीक कहा, कानून को हाथ में लेना, कानून को तोड़ना, संविधान की इज्जत ना करना, ये देश विद्रोही होने का एक सबूत है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कन्हैया कुमार को अभी जो है जमानत पर बाहर भेजा गया है, तो कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस मामले में? क्या कन्हैया कुमार के साथ खड़ी होगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी होती है। जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको बेबुनियादी इल्जामात के अंदर नहीं फंसाना चाहिए। कन्हैया ने कोई गुनाह नहीं किया है, कन्हैया का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ये कोई गुनाह नहीं है लोकतंत्र के अंदर। इसलिए कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन साथ साथ बेगुनाह लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। इन पोस्टर्स को लगाने के कुछ ही घंटों बाद इनको वहां से हटा दिया गया। साथ ही कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कन्हैया कुमार को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इस तरह के पोस्टर्स लगवाकर ये पूर्वांचल सेना वाकई देश की शांति को भंग करना चाहती है। कैमरामैन आदित्य के साथ पंकज धीमान, न्यूज पॉइंट दिल्ली।